हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है आउटर ज्वाइन। और आउटर ज्वाइन में हमारे तीन सब टॉपिक होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन के बारे में, फिर राइट आउटर ज्वाइन के बारे में, और फिर फुल आउटर ज्वाइन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन तीनों ज्वाइन के बारे में काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैंने आपको एसक्यूएल में पढ़ाया था लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। सेम टू सेम उसी कंसेप्ट को हमें रिलेशनल एलजेब्रा में भी पढ़ना पड़ता है। बस इसको डिनोट करने का जो हमारा तरीका है रिलेशनल अलजेब्रा में अलग है। तो देखो, जैसे आउटर ज्वाइन, तो मुझे कैसे परफॉर्म करना पड़ता है आउटर ज्वाइन, तो मैं क्या करूँगा, एक मार्कर लूँगा। इधर मैं लूँगा एक मार्कर, मैं मार्कर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो सबसे पहले आपको नेचुरल ज्वाइन का सिंबल देना है, और लेफ्ट आउटर ज्वाइन तो इसे दो लेफ्ट कर देना है, लेफ्ट में दो बार कर देना है। वैसे आप डिनोट करते हैं किस में, आपको रिलेशनल अलजेब्रा में। वैसे ही राइट आउटर ज्वाइन, तो नेचुरल ज्वाइन का सिंबल देना है और राइट की तरफ दो कर देना है पाई, दो को लाइन कर देना है राइट की तरफ। फुल आउटर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन का हमारा सिंबल और दोनों ओर दो दो, हमारा क्या हो गया, फुल आउटर ज्वाइन हो गया। तो वैसे हम रिलेशनल अलजेब्रा में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं चलूंगा वीडियो में आगे और एक क्वेश्चन देखूंगा। क्या है एक क्वेश्चन, हमारे पास एक टेबल दिया है आर, एक टेबल आर है और एक टेबल एस है। एक टेबल हमारे पास क्या है, आर है, और एक टेबल क्या है, एस है। और क्वेश्चन क्या दिया है कि सेलेक्ट ए सी फ्रॉम आर एंड एस, आर और एस में नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करो और उसमें से ए और सी सेलेक्ट करो। आर और एस में, आर और एस में नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करो और उसमें से ए और सी को सेलेक्ट करो। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, आर और एस में लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसका मतलब क्या है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। मैंने आपको क्या बताया कि नेचुरल ज्वाइन का सिंबल और लेफ्ट में दो लाइन, लेफ्ट में दो लाइन, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो आर और एस में लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करो, उसमें से ए और सी सेलेक्ट करो। वैसे ही आर और एस में राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करो और उसमें से ए और सी सेलेक्ट करो। वैसे ही आर और एस में फुल आउटर ज्वाइन परफॉर्म करो, फुल आउटर ज्वाइन परफॉर्म करो और उसमें से ए और सी सेलेक्ट करो। और उसमें से क्या सेलेक्ट करना है, ए और सी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो, जैसे हमारे पास आर टेबल है और एक टेबल क्या है, एस। जैसे एक आर टेबल है और एक एस टेबल है, तो सबसे पहले मुझे नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करना है। क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन। तो आपको पता है कि नेचुरल ज्वाइन तभी परफॉर्म हो पाएगा जब दोनों में कम से कम एक एट्रीब्यूट कॉमन हो, जब दोनों में क्या हो, कम से कम एक एट्रीब्यूट कॉमन हो। तो इसमें भी बी है, मुझे दिख रहा है इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, दोनों में एक एट्रीब्यूट कॉमन मिल गया। जब दोनों में एक एट्रीब्यूट कॉमन मिल गया तो नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही इसका रूल है कि कम से कम एक एट्रीब्यूट अगर कॉमन है तो नेचुरल ज्वाइन तो हो जाएगा। तो मैं क्या देखूंगा, और एक एट्रीब्यूट कॉमन है तो हमारे पास कितना एट्रीब्यूट आ जाएगा, तीन, ए बी सी। अब देखो इसमें एट्रीब्यूट कॉमन कौन है, टू यहाँ है लेकिन टू यहाँ नहीं, थ्री यहाँ है लेकिन थ्री यहाँ है। तो क्या होगा, थ्री से यहाँ इंटू होगा, थ्री से क्या होगा, यहाँ इंटू होगा। मैं क्या लिखूंगा, इधर का टू थ्री और सी में कितना आ जाएगा, फोर। ठीक है, अब फिर यहाँ क्या है, जब कॉमन है अब फिर एक और कौन आएगा, यहाँ थ्री एक और कॉमन है, तो इससे 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 भी होगा इंटू, क्या हो जाएगा, वन थ्री फोर, दो ही हमारा कॉमन है, दो ही हमारा इसमें क्या है, दो ही हमारा इसमें का एलिमेंट कॉमन है, तो इतना हमारा आ जाएगा। अब नेचुरल ज्वाइन मैंने परफॉर्म कर दिया और मुझे क्या चाहिए, अब ए और सी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए बी सी तीनों वाला है, सिर्फ मुझे ए और सी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ए और सी को इसमें से बाहर निकालूंगा, ए कितना है, यहाँ टू है और सी कितना है, फोर, ए कितना है, वन, सी कितना है, फोर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। जब मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करूंगा, जब मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करूंगा आर और एस पर, और ए और सी मुझे चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, ए और सी में इतना मिलेगा, ए और सी में कितना मिलेगा, टू फोर और वन फोर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा हो गया नेचुरल ज्वाइन का आंसर। ये हमारा क्या हुआ, सिर्फ नेचुरल ज्वाइन में परफॉर्म करना हो तो हमारा, और इस चीज को सेलेक्ट करना हो तो हमारा इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट ए सी, सेलेक्ट ए और सी फ्रॉम कितना, आर और लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट, लेफ्ट क्यों, क्योंकि यार जो नेचुरल ज्वाइन के लेफ्ट में हमारा दो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। रिलेशनल एलजेब्रा में इसको हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे आर और एस में लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ता है और उसमें से ए और सी को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं चलूंगा नेक्स्ट लाइन में, और लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का आंसर क्या होगा, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का आंसर होता है नेचुरल ज्वाइन का आंसर, नेचुरल ज्वाइन प्लस लेफ्ट, लेफ्ट में जो एलिमेंट बचता है, लेफ्ट में जो एलिमेंट बचता है ओ। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन का आंसर कितना है, मैं देख रहा हूँ नेचुरल ज्वाइन का आंसर कितना है, टू फोर वन फोर, ए और सी, टू फोर
1/4। लेफ्ट आउटर ज्वाइंट में नेचुरल ज्वाइंट का जो आंसर है वो तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ लेफ्ट टेबल का जो बच गया है वो आएगा। मैंने आपको एसक्यूएल में क्या बताया था कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है, दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन होता है एलिमेंट उसको तो लेता ही लेता है, और साथ ही साथ जो लेफ्ट टेबल में एलिमेंट बच जाता है उसको भी लेता है। मैंने क्या बताया था, दोनों टेबल में जो एलिमेंट कॉमन है तो दोनों में टेबल कॉमन क्या है, 2 4 1 4, और साथ ही साथ जो लेफ्ट टेबल में एलिमेंट बच जाता है उसको भी ले लेता है। तो मैं देख रहा हूँ इधर लेफ्ट टेबल में एलिमेंट कौन बच गया है, 1 1 आ गया है, और 2 आ गया है, 1 आ गया है, 2 1 यहाँ आ गया है, 2 1 आ गया है, लेफ्ट में बच गया है 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, लेफ्ट में एक 1 बच गया है तो सिर्फ इधर 1 आ जाएगा, मीन्स इधर 1 आ जाएगा, और इधर एक क्या आ जाएगा, एक खाली रह जाएगा, इधर क्या रहेगा, एक खाली रह जाएगा। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ लेफ्ट टेबल का एक एलिमेंट बच गया है वो आ जाएगा। तो हमारा इतना आंसर रहेगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन के बाद। अब राइट आउटर ज्वाइन के बाद क्या होगा, राइट आउटर ज्वाइन के बाद दोनों में जो नेचुरल ज्वाइन का जो रिजल्ट है, नेचुरल ज्वाइन का जो रिजल्ट है, ज्वाइन मतलब जो दोनों में मैच कर रहा है, प्लस राइट टेबल में जो एलिमेंट बच गया है, राइट टेबल में जो एलिमेंट बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेचुरल ज्वाइन का आंसर क्या है, मैं देख रहा हूँ 2 4 1 4, मैं क्या देख रहा हूँ 2 4 1 4, तो ए और सी 2 4 1 4, और राइट टेबल में हमारा क्या बच गया है, राइट टेबल में हमारा क्या बच गया है, राइट टेबल में हमारा सिर्फ 4 आया है, 4 आ गया है, तो राइट टेबल में हमारा क्या बचा है, 6 और 8 बच गया है। तो मैं क्या करूँगा, राइट टेबल में क्या बचूंगा, सी में 6 और 8 हमारा बच गया है, तो मैं क्या करूँगा इधर 6 और इधर 8 लिख दूंगा, 6 और 8 इधर क्या करूँगा, लिख दूंगा। तो राइट आउटर ज्वाइन में कैसे होता है, जो नेचुरल ज्वाइन का है या फिर जो दोनों टेबल में कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ जो राइट टेबल में कॉमन नहीं है वो भी आएगा। राइट आउटर ज्वाइन कैसे परफॉर्म करता है, जो दोनों टेबल में कॉमन पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा, और जो राइट टेबल में बच जाता है जो अनकॉमन है वो भी आएगा। मैंने आपको एसक्यूएल की वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ, आप वहाँ भी जाकर रेफर कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, फुल आउटर ज्वाइन परफॉर्म करूंगा, फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन क्या है, जो दोनों टेबल में कॉमन एलिमेंट्स है, जो टेबल आर में और एस में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ जो लेफ्ट टेबल में एलिमेंट बच गया है और जो राइट टेबल में एलिमेंट बच गया है वो दोनों भी आ जाएगा। ध्यान से समझो, फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, जो नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट है या फिर जो दोनों टेबल में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और साथ ही साथ जो लेफ्ट टेबल में एलिमेंट बच गया है वो भी आएगा, जो राइट टेबल में एलिमेंट बच गया है वो भी आएगा। मींस लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन को लिया को जोड़ दो, बन जाएगा क्या, फुल आउटर ज्वाइन। तो देखो ए और सी क्या हो, ए और सी 2 4 और 1 4 तो आएगा ही, और साथ ही साथ इसका 1 आएगा, 1 लेफ्ट आउटर ज्वाइन का, और फिर इसका क्या आएगा, 6 और 8, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर देगा। मैं एक बार मिला लेता हूँ, क्या है 2 4 1 4, 2 4 1 4, और फिर राइट आउटर ज्वाइन का क्या हमारा है, राइट आउटर ज्वाइन क्या है, 6 8 6 8, तो 6 8 आ गया है, और उससे पहले हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या है, इधर 1 है 1 1 है, तो इतना आंसर हमारा आ जाएगा फुल आउटर ज्वाइन में, इतना हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, फुल आउटर ज्वाइन में। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, और सच में कंटेंट पसंद अगर आ गया है और आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यार काफ़ी फर्स आपके लिए लगाई जा रही है इस क्वालिटी कंटेंट को लाने में, ठीक है, और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं तो कहूँगा यार, जो डीबीएमएस हमारा कोर्स है, डीबीएमएस उसको आप शुरू से देखिए, शुरू से देखिएगा तो आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट, जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट है, चाहे फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो, रिलेशनल अलजेब्रा हो, इंडेक्सिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, या सारा का सारा एसक्यूएल हो, आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा, आप क्वेरी लिखना शुरू कर देंगे, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों में भी शेयर करते रहो, ताकि आपके साथ उनका भी हेल्प हो सके, ये चैनल बहुत लोग का लाइफ चेंज करने वाला है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, तब तक आप शेयर और लाइक करते रहो एकदम दबा के, और आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो, जाके आप फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और जो आपको समझ में आ रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को टैग कर दो, मैं भी आपको टैग कर दूंगा, ठीक है। तो मिल के आगे बढ़ते हैं, और टेलीग्राम में इसका प्रेजेंटेशन है जो मैंने यहाँ लिखा है, इस सारा का सारा प्रेजेंटेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाओ वहाँ से ज्वाइन कर लो, और इस प्रेजेंटेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे और भी नोट्स है, जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ सबका नोट्स उसमें है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।